हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूँ नागा साधुओं से जुड़ी कुछ खास से रोचक और रसमयी बातें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। उनके बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ नागा साधुओं से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। नागा साधु बनना कोई आसान बात नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठा और नागा साधु बन गया। नागा साधु बनने के लिए कठिन तप और कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। कौन है नागा साधु, कैसे बनते हैं नागा साधु? भारत में कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जहाँ सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। ये हिमालय में 0 से भी नीचे के तापमान पर जीवित रह लेते हैं। आम आदमी के पास नागा साधुओं के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है, लेकिन आज हम आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है उसे अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से 1 साल तक लग जाते हैं। जब अखाड़े और उसके गुरु को यह लगता है कि वो दीक्षा लेने के लायक हो चुका है तो उसे अगली परीक्षा में लगाया जाता है। उसकी अगली परीक्षा होती है नागा साधु के अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे तक नंगा खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद वरिष्ठ नागा साधु लिंग की एक विशेष नस को खींचकर उसे नपुंसक कर देते हैं। इसके बाद वह नागा दिगंबर साधु बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बनते हैं, बल्कि कई महिलाएं भी हैं जो नागा साधु बन चुकी हैं, और खासकर विदेशों से आई हुई महिलाएं आकर नागा साधु बनती हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर गंगा में 108 डुबकी लगानी पड़ती है, और फिर उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। उसके बाद खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने ही हाथों से अपना श्राद्ध कर्म पूरा करना पड़ता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित ही करवाते हैं। दीक्षा लेने के लायक होने के बाद साधुओं को एक गुरु मंत्र दिया जाता है। भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। नागा साधु नाम से ही प्रतीत होता है कि उनको अपने वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। अगर वस्त्र डालने भी हैं तो गेरवे रंग के सिर्फ एक वस्त्र को वे धारण कर सकते हैं। महिला नागा साधुओं को नग्न रहने की इजाजत नहीं है। नागा साधुओं की ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा, त्रिशूल या चिमटा लेकर चलते हैं। नागा साधु हमेशा बस्ती से बाहर निवास करते हैं। ये सन्यासी को छोड़कर किसी को भी प्रणाम नहीं कर सकते और ना ही किसी की निंदा कर सकते हैं। आगे जानते हैं दोस्तों, नागा साधु दिन में सिर्फ एक ही समय भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं। अगर इन 7ों घरों से भिक्षा ना मिले तो इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधुओं को सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म लगानी होती है और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। नागा साधुओं को अपने तिलक पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। ये अक्सर ऐसी कोशिश में रहते हैं कि इनका रोज का तिलक एक जैसा ही हो। आगे जानते हैं दोस्तों, नागा साधुओं को अपने पास चिमटा रखना जरूरी होता है क्योंकि ये धुनी रमाते हैं। धुनी रमाते समय सबसे ज़्यादा काम इनको चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा साधुओं के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा माना जाता है। कहते हैं साधुओं में भी पद और अधिकार होते हैं और इनके पद बदलते रहते हैं। जैसे नागा साधु के बाद महंत, उसके बाद श्री महंत, जामातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार मंडलेश्वर। अक्सर ज़्यादातर नागा साधुओं को कुंभ के मेले में देखा जाता है। जैसे ही कुंभ का मेला समाप्त होता है ये रातों रात जंगल के रास्ते गायब हो जाते हैं। ये जंगल के रास्ते ही अपना सफर तय करते हैं। आप इनको सड़क के रास्ते बहुत कम ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।